कहां सीएसके पिछले मैच का बदला लेने निकली थी राजस्थान रॉयल्स से जब धोनी भाई का लास्ट बॉल पे सिक्स रह गया था। माहौल पूरा सेट था उसी दिन को रिक्रिएट करने का और रीराइट करने का, लेकिन हम फैंस बस माही भाई को कहते रह गए कि थोड़ा सा बैटिंग में और ऊपर आओ, थोड़ा सा बैटिंग में और ऊपर आओ, लेकिन थाला इज थाला। नीचे नीचे बोल के इतना नीचे ले आए कि मैच जिताना तो दूर, इस बार तो हमें बैटिंग भी देखने को नसीब नहीं हुई। भाई पक्का ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास। नहीं भाई देखो, माना राजस्थान की इस मैच में बॉलिंग की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन तुम भी जानते हो फिनिशिंग के टाइम पे चाहे 12 बॉल में 46 भी क्यों ना चाहिए हो, अगर ये बंदा क्रीज पे होता तो वो भी मुमकिन था। 3 दिन से आईपीएल हम सब फैंस के इमोशंस के साथ खेल रहा है। पहले मुंबई हारी, फिर आरसीबी हारी और अब सीएसके भी हार गई। अब अगला क्या देखने को लगेगा, क्या लखनऊ जीत जाएगी आज? क्या बात करता है यार, काहे का रिवेंज वीक भाई, ना आरसीबी केकेआर से जीत पाई और सीएसके ने भी आरआर के सामने हाथ खड़े कर दिए। भाई ये तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि 7 मैचेस में से 6 मैच राजस्थान रॉयल्स जीती है और सिर्फ 1 सीएसके जीत पाई है इनकी राइवलरी। और इससे यही प्रूव होता है कि संजू सैमसन एज अ कैप्टन काफी अंडररेटेड है, बिकॉज धोनी की कैप्टनसी के अगेंस्ट अपनी टीम को जिताना, वो भी स्पिन को एज अ स्ट्रेंथ बना के, एक अलग ही अचीवमेंट है भाई। पहले उनके घर में जाके हराया था और अब उनको घर बुला के हराया है। वैसे तुम भी जानते हो कि सीएसके जहां जहां जा रही है वो उनका होम ग्राउंड ही बनता जा रहा है इस साल, और उसका रीजन भी उन सब फैंस का प्यार अपने माही भाई के लिए। भाई इस बारे में सोचो कि अगर माही भाई का लास्ट सीजन होता भी है और वो रिटायरमेंट ले भी लेते हैं तो हम फैंस तो सिर्फ सैड होंगे, लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स चैनल वाले ये सब पैसा कैसे कमाएंगे? मैं गरीब हूँ। इतनी पॉपुलैरिटी, इतना क्रेज सिर्फ एक बंदे के लिए अनरियल है। और जड्डू भाई क्या करते हो यार, हम फैंस की आपसे क्या ही उम्मीद होती है कि आप बैटिंग करने जाओ और जल्दी से आउट होके वापस आ जाओ, और वैसे भी कई बार जान के आउट हो जाते थे, तो इस मैच में क्या हो गया? वैसे अगर देखा जाए ना तो जड्डू की वो 6 हिटिंग वाली इंटेंट भी काफी मैचेस से कहीं खो सी गई है। इस मैच में भी हारने का रीजन कहीं ना कहीं यही बन गया कि जड्डू भाई आते ही अटैक नहीं कर पाए और इनिंग स्लो डाउन हो गई थी। और देखो ये तो कुलदीप यादव और जेसन होल्डर जैसे बॉलर्स थे जड्डू के सामने, अगर हर्षल पटेल होता तो 2 बॉल छोड़ के जीतते। और वो सब छोड़ो, असली चोट तो जड्डू भाई ने फर्स्ट इनिंग्स में ही दे दी थी जब सबके फैंटेसी कैप्टन बटलर को ही आउट कर दिया। पहले में लगता था राजस्थान रॉयल्स सिर्फ बटलर की बैटिंग पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब से राहुल भाई के साथ उठना बैठना हुआ है तब से बटलर भाई को खुद अपनी बैटिंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं आईपीएल में, बटलर से ज्यादा कंसिस्टेंट तो शिवम दुबे हो गया है। अपनी एक्स के सामने अपना बेस्ट देना कोई दुबे से सीखे, ना आरसीबी को छोड़ा ना राजस्थान को। लेकिन बात वही हो जाती है कि मैच में रन बना लेना एक अलग चीज हो गई और टारगेट को चेस कर डालना वो एक अलग ही एबिलिटी होती है, जो कि इस टीम में सिर्फ गिने चुने लोगों में थी और धोनी भाई उनमें से एक है, तो उनको फॉर श्योर जल्दी आना चाहिए था। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हम आ रहे हैं, बढ़िया से निकल एकदम। चलो ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है, आप फ्यूचर हमारा। यार रहाने भैया को बता दो कि उनकी टेस्ट टीम में अब सिलेक्शन हो गई है, WTC फाइनल खेलने जा रहे हैं। अभी भी बंदा ऑडिशन देने में ही लगा हुआ है। जो बंदा 29 बॉल्स में 71 मार सकता है वो बंदा 200 चेज करते हुए 13 बॉलों में एक भी बाउंड्री नहीं मारता। यार यशस्वी जायसवाल का सही है, माही भाई को इंटरव्यूज में तो इतना एडमायर करता है, इतनी तारीफ करता है, लेकिन मैच में आके उन्हीं के बॉलर्स को पीट देता है, ये फेयर थोड़ी है यशस्वी भाई। बहुत मारा यार तुमने। देखो सीएसके एज ए टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और इस आईपीएल अभी जीतती आई है तो कमियां निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैच हारती है तो पता लगता है कि अभी भी कुछ एरियाज है जहां पे इम्प्रूव किया जा सकता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा इस मैच में बैटिंग खराब थी, लेकिन फिनिशिंग और चेजिंग नहीं हो पाई, और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं डेवॉन कॉनवे की इतनी खराब इनिंग्स थी। बंदा ओपनिंग पे आता है, पावर प्ले में खेल रहा है, उसके बावजूद भी 50 का स्ट्राइक रेट। ये डेवॉन कॉनवे जो 8 रन 16 बॉलों में बनाता है और ये डेवॉन कॉनवे जो 4 कंसेक्यूटिव 50s मार के आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ये तो क्रिमिनली बैड इनिंग्स थी और बहुत बॉलें वेस्ट हुई है। इससे अच्छा तो रायडू भाई खेल गया, रन भी बनाया लेकिन सिर्फ 2 बॉलें खाई। बट अब मुझे लगता है एक काज छोटे मोटे चेंजेस करने का टाइम आ गया है टीम में। रायडू का फॉर्म एज एन इम्पैक्ट प्लेयर काफी खराब रहा है अभी तक और कोई इस सीजन में नोटेबल परफॉर्मेंस आई ही नहीं है, तो आई थिंक सीएसके को जरूरत है कि वो अपना इम्पैक्ट प्लेयर चेंज करे। एंड तुम सोच के देखो कि हमने बहुत टाइम से यार सीएसके की टीम से कोई ऐसा बैट्समैन नहीं देखा जो टैलेंटेड हो और अच्छा परफॉर्म करे और इस टीम की स्काउटिंग प्रोसेस का प्रोडक्ट हो। जैसे पंजाब किंग्स के लिए जितेश शर्मा आए हैं, ध्रुव जुरेल राजस्थान रॉयल्स से आया है और आरसीबी की तरफ से और गुजरात टाइटंस ने हमें अभिनव मनोहर जैसे प्लेयर्स दिए हैं, तो वैसे मुझे लगता है कि सीएसके की टीम से कोई ऐसा बैट्समैन नहीं देखने को मिला हमें कुछ 2-3 सालों में पिछले। अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो कमेंट्स में लिख देना। अब डेफिनेटली सीएसके की तरफ से बॉलर्स बहुत सारे आए हैं, जैसे प्रशांत सोलंकी है, सिमरनजीत सिंह है, मुकेश चौधरी, इवन आकाश सिंह दिस ईयर और तुषार देशपांडे। इतनी बड़ी लिस्ट बॉलर्स की है लेकिन बैट्समैन नहीं है ज्यादा, और इसका रीजन यही है कि पिछले कितने टाइम से इनका मिडिल ऑर्डर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सुरेश रायना और रॉबिन उथप्पा के जाने के बाद भी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लेके आए, कोई नया बैट्समैन हमें देखने को नहीं मिला है। और देखो
देखो दूसरी चीज, मोइन अली बहुत अच्छा हिटर है लेकिन वो कंसिस्टेंसी और फिनिशिंग लैक करता है। हर मैच में ऑलमोस्ट वो एक शॉर्ट कैमियो खेल के जाता है, 20-30 रन बना देगा 10-15 बॉलों में, विच इज ग्रेट, बट फिनिशिंग की बहुत जरूरत है क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आता है वहां से चेजेस में मैच जिताना जरूरी है। अगर बेन स्टोक्स की इंजरी ठीक हो गई है तो मोइन अली की जगह बेन स्टोक्स को टीम में लाया जा सकता है। अब ऑब्वियसली टीम स्पिन पे सफर करेगी लेकिन बेन स्टोक्स भी अपना एक बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता ही है। और 16.5 करोड़ खर्च करे यार, कुछ काम वाम कराओ, वेकेशन पे थोड़ी लेके आए हो। और फाइनली MS धोनी को चेज में सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि टीम अभी भी धोनी की फिनिशिंग में बहुत ज्यादा रिलाय करती है। एंड तुम सोच के देखो कि धोनी है तो थोड़ा होप रहता है, अगर अगले साल माही भाई नहीं रहेंगे तो फिनिशिंग कौन करने वाला है? मुझे तो कोई भी टीम में नहीं दिख रहा अभी। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आज मालो। राजस्थान रॉयल्स 2 मैच हारी लेकिन आके सीधा CSK को हरा दिया और अब टेबल टॉपर्स भी बन गए हैं, डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर टॉप 4 दिस सीजन। या लास्ट कुछ मैचेस से इनकी बैटिंग में वो बात नहीं लग रही है और उसका रीजन यही है कि बटलर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखो जयसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी लेकिन मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन और हेथमेयर कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है इस समय। एक रियान पराग को टीम से हटाया तो हेथमेयर भाई रियान पराग बन गए, बट ध्रुव जुरेल को भी मान गए यार, एक अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग कैसे किया जाता है ये प्लेयर हमें हर मैच में सिखा रहा है। चाहे मैच पे किसी भी पोजिशन पे आए इसकी इंटेंट एकदम क्लियर होती है कि आते ही मारना है और मोस्ट इंपोर्टेंटली क्लीन हिटिंग करता है, स्लॉगिंग ज्यादा नहीं करता। और मैं मानता हूं जितनी बैकिंग और सपोर्ट रियान पराग को मिली थी उतनी ही अगर इस बंदे को मिलती रहे ना तो डेफिनेटली हमें इंडियन टीम में बहुत जल्द दिखेगा। लेकिन हाँ, उसमें भी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं कि इस सीजन के बाद डाल दिया, थोड़ा सा टाइम दो से अभी भी डेवलप करने के लिए। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए बांडिया तेरी जुदाई का गम मैं सहलूंगा बांडिया, सहलूंगा, जा। और रियान पराग के लिए थोड़ी सी सिंपथी आती है क्योंकि अब नहीं लगता कि उसको टीम में जगह मिली क्योंकि देवदत्त पडिक्कल भी फिनिशिंग करना शुरू हो गया। बस संजू भाई भी थोड़ा कंसिस्टेंटली रन्स मार दे तो इनकी बैटिंग की वरीज निल हो जाएंगी। बॉलिंग में तो इन्होंने दिखा दिया अपनी परफॉर्मेंस है, इनकी स्पिन CSK को बीट कर गई, बट बुरा लगा अश्विन जैम्पा साहब 2-2, 3-3 विकेट ले गए, अपने चहल भाई रह गए यार। बंदा स्टार्ट अच्छी लेते लेकिन मिड सीजन में आके क्या हो जाता है। इंद्रानगर का गुंडा हूं मैं। मैं तो फिर से थक गई। वैसे इस मैच में कुलदीप यादव भी काफी इंप्रेसिव था। अरे राजस्थान हमें कुलचा देखना है, तुम ये कौन सा कुलचा ले आया यार। बट फिर भी ये पेसर कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस मैच में। और संदीप शर्मा के लिए ये सवाल हम पूछते पूछते थक जाएंगे कि ये बंदा इस सीजन अनसोल्ड कैसे गया था। एनीवे, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। RCB में कौन से चेंजेस होने चाहिए ताकि वो जीत पाए उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।